हाँ तो महिलाओं का ही अपमान कर रहे हैं मंच पे, यहाँ महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, अपमान करने आ रहे हैं। मेरे को तो वो जो लड़की थी वहाँ पे, उसने कहा जी ये जो है मेरे को परमिशन नहीं है कि जो है आप पूनम पंडित यहाँ बोले, आप पहले पूरे संगठन की अनुमति लेकर आओ। अब अनुमति लाने में 4-5 दिन लगेंगे ना, 40 संगठन है इस जो आंदोलन कर रहे हैं किसान मोर्चा मंच का नेतृत्व में चल रही हूँ, जो मंच यहाँ पे लगा हुआ किसानन का, तो ये जो है जो अनुमति मेरे से लिवाना चाह रहे हैं वो तो लड़की जानती नहीं, मैं तो आज पहली बार उससे मिली हूँ, उसे क्या पता कौन किस बात को कहलवा रहा। बिल्कुल है, नारी को नारी भी दबाती है, ठीक जो मेरे वाले के मैटर में पहले हुआ, और नारी को आदमी भी दबावे, सारे तो नहीं दबाते, मुझे कुछ लोग करते हैं इस काम को, जब पहले भी मेरी गैल करा तो ये शोषण कर रहे हैं मेरा शोषण करके तुम कहीं नहीं जा पाओगे और मेरा शोषण तुम कर नहीं पाओगे। ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं कि परमिशन लेकर आओ, 40 संगठन से मैं परमिशन लेकर आऊँ, 40 से यहाँ परमिशन लेकर महिला बोलेंगी, जितनी महिला यहाँ लंगर चला रही है क्या परमिशन लेकर बैठी हुई है वे हैं? वे यहाँ मेहनत कर रही थी, 3 महीने हो गए, 102 दिन हो गए, तो ये पूछो ना उनसे जाके जो मेरे से मंच वो कह रहे हैं कि तुम अनुमति लेकर आओ, पूछो उनसे क्यों नहीं बोलने दिया, काहे को ना बोलने दिया, मुझे क्या पता क्यों नहीं बोलने दिया, मेरी क्या गलती है भाई, हम तो आए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो मंच लगा हुआ ये तो किसानन का मंच लगा हुआ, अब क्या ये सारी महिला जितनी आज बोल के गई 8 मार्च 2021 में यहाँ महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बॉर्डर पर, क्या सारियों ने अनुमति ली थी 40 के 40 संगठनों से है? ये सवाल आप उनसे करना कि क्या आप अनुमति लेके बोली थी मंच पे। तो कुछ लोगों का आंदोलन इसका मतलब होगा, इनकी निगाह में होगा, जब तो नहीं बोलन दिया मुझे, आपने देखा मैं वहाँ 1 घंटे से 1.25 घंटे से बैठी हुई थी, 1.25 घंटे बैठ रही, मैंने कहा चलो थोड़ी देर में नंबर आएगा बोलेंगे, भाई अच्छी बात है महिला दिवस है बोलेंगे, तो मैंने कहा क्लियर कर लेते हैं। जब वो लड़की ज्यादा परेशान हो गई, ज्यादा महिलाएं वहां जाने लगी, पूनम पंडित को कितनी देर में बुलवाओगे, पूनम पंडित कितनी देर में बुलवाओगे, तो मैंने उनसे कहा आंटी रुक जाओ आप थोड़ा सा, अभी बहुत सारी लेडीज है, सुन लीजिए मेरी बात, जितनी बात वहां पे हुई तो मैंने कहा इनसे पूछो कि मैं यहाँ बोलूंगी या नहीं, अच्छा नहीं लगता कि सभी महिला मेरी वजह से मंच को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो लेडीज थी वो कह रही थी पूनम पंडित बोले, तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, पूरे मंच चल रहा बीच में कोई डिस्टर्ब करे, तो मैंने कहा ये क्लियर पूछ लो इनसे। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंटी पूछना, मैं बिल्कुल पास ही में वहीं खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैम देखिए यहाँ पे जितनी भी बैठी हुई हैं सभी अपने आपे में कुछ हैं मंच पे, और जो पूनम पंडित हैं उनको 40 संगठनों की अनुमति लेकर आनी पड़ेगी जब गाजीपुर बॉर्डर पर मंच पर बोलना पड़ेगा, फिर भी मैं आती हूँ आऊंगी, मेरा अधिकार है, मैंने इनको सहयोग करा, इनकी इन हरकतों से मैं रुकने वाली नहीं हूँ, किसानों के साथ ही हूँ रहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला तो पहले से ही भैया आ गए हैं और बढ़िया लग रहा है क्योंकि आज पहली बार बॉर्डर पे महिला दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो बढ़िया लग रहा है, सारे काम पहली बार ही हो रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पे बैठे हुए हैं आंदोलन कर रहे हैं, तो होली भी पहली बार ही बॉर्डर पे मनेगी तो बढ़िया लग रहा, क्योंकि सभी धर्मों के साथ सारे काम हो रहे हैं, सभी जात के, क्योंकि किसान जात एक हो गई, एक किसान जात है इसको लोग समझ रहे हैं, तो इनके साथ सारे त्यौहार मनाने में बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। देखो हम कभी किसी बढ़िया काम को करें, सच्चे काम को करें, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, ठीक, लेकिन जो सच्चाई थी, पटियाला कोर्ट ने दिशा रवि को रिहा कर दिया और सह सम्मान से, और ये कह दिया कि इनके जो सबूत थे कुछ ऐसा नहीं मिला, तो उन लोगों को बुद्धि आनी चाहिए जो पुलिस वाले भी हैं जिनमें, और जो और भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोगों के कहने पर ऐसे गिरफ्तार करने लग रहे हैं, आंदोलन जो सहयोग कर रहे हैं, जो कृपया करके ऐसे लोगों के चक्कर में ना आवे, ये आपको झूठा साबित करना चाह रहे हैं, मेरा अनुरोध है प्रशासन से भी। दुर्भाग्य की बात है कि हमने इतने मनसुई सरकार को चुना हुआ, ठीक, और उसके बावजूद ऐसा काम हो रहा, और नए नए घोषणा पत्र मांग रहे हैं ये, वोटिंग करवा के बंगाल में जाके हैं, और कि घोषणा पत्र बताओ क्या क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, अरे जो देश में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी पहले घोषणा कर रहा कि उन्हें निकाल लो, उन्हें कर लो ना पूरी घोषणा, जी भी काय को बन रहे हो, पूरे देश में ऐसा माहौल हुआ पड़ा, देख लो आप क्या हुआ हाथरस में जो पहला वाला कांड हुआ, जो तेल को छिड़क गया उस लड़की को, वो अंतिम संस्कार करा गया, अगर उस पर सख्त कार्रवाई होती ना, और दो चार ये जो जिन्होंने ये पुलिस वाले ने सहयोग करा, अगर उनके दो चार के खिलाफ बढ़िया कार्रवाई होती तो यूँ मेरे हिसाब से दूसरा नहीं होता जो वो लड़की रो रही है। भैया मेरे से तो नुकैदी मंच पे मेरा भाई है वो भी पूछा, और कुछ महिलाएं भी आई हुई जो मेरा बड़ा प्यार करती हैं, बच्ची भी आई हुई है, तो कह दीदी हम आपको, हम बहुत दूर जाना, भोजपुर से आई हुई थी दीदी, हमें बहुत दूर जाना, हम आपको सुनना है, मैंने कहा बेटा थोड़ा टाइम लगा दो क्योंकि और लोग बैठे हुए हैं, तो मैं तो 1 घंटे से 1.25 घंटे से बैठी हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से तो भैया ये कह दिया कि पहले सारे संगठन की अनुमति लेकर आओ जब मंच पे बोलन देंगे, तो ये मंच वही है गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ मैं, ठीक, ये मंच वही है, मेरे सुता ऐसे कह दिया, हो सके जितनी महिला बोल रही है सारे संगठन की अनुमति लेके बैठी हो वहाँ, और वे अनुमति लेके बोल रही हो, भाई ऐसे भी हो सके, क्या पता इनके संगठन के बोलने अनुमति लेने वाला व्यक्ति बोल सके मंच पे, ऐसा भी तो हो सके, कमेटी से मैं बात करूंगी, अभी तो यही हूँ भाई, और इस बात को बिल्कुल लिखित में करूंगी, घबराओ मत,
पहले जो हुआ जिन्होंने पहले रोका, मैंने रूपरेखा ना बदले आंदोलन की, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन अब खुल के बता देंगे ना, खुल के हर चीज दिखावेंगे ना कि क्या क्या हुआ, क्या क्या करो। आज महिला दिवस है, बताओ ना आप, फिर आप ही देखो हम किस लिए बैठे आंदोलन में। आपको कोई आज का दिन है मैडम जी, आपको जो मना किया गया है, किसी पुरुष ने मना किया है, किसी महिला ने मना किया है? देखिए वो जो महिला वहाँ पे संचालन कर रही है उसको कुछ नहीं पता, मैं तो आज पहली बार मिली हूँ, सिर्फ उन्होंने मुझे हाँ जब तक उन्होंने कहा वो क्या जाने, उन्होंने कहा कि पूनम पंडित जो है, मैंने कहा मैम मैं बोलना चाहती हूँ, दो शब्द अपने रखना चाहूँ, तो उन्होंने मैं वहीं पकड़ी हुई थी, वे मैडम भी कह रही थी एक आंटी कह रही ना बुलवाओ, तो उन्होंने कहा देखो इनको बोलने के लिए मंच की अनुमति लेकर आओ 40 संगठनों की, जब पूनम पंडित यहाँ बोलेंगी, इतनी बात उन्होंने कही है मेरे से, मुझे नहीं पता उन्होंने किसको कहा भाई, वो तो यही आपको लगता कुछ ही लोगों का भाई, देखिए पूरे किसानों का भाई, देखो आंदोलन तक किसानन का हो सका भैया, यू मंच का हो नहीं है, पूरे ऐसा भी तो हो सका, आंदोलन तक जन आंदोलन है पूरे किसानन का, नहीं नहीं आप बार बार जब उन्होंने क्यों बुलवाया फिर आप बार बार ये ना कहो कि एक आदमी का, तो ये महिलाओं के साथ में क्या कर रहे भाई, मैंने अपने लिए कुछ मांगा क्या? पूरे सुन लीजिए, देखिए ये जो आंदोलन है पूरी जाति का आंदोलन है, पूरे धर्म का आंदोलन है, ठीक पूरे धर्म का आंदोलन है, पूरी जाति का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन वहाँ पे मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, ये सवाल के जवाब मैं थोड़ी दे सकूँ उनसे, लो परेशान करने क्यों कर रहे हैं आप, पूछो ना जाके, देखिए आपके सहयोग से आशीर्वाद से जितने भी मेरे किसान बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद प्यार मोहब्बत दिया, देखो मैं यहाँ खड़ी हो गई ना, ये मेरे बुजुर्ग मेरे साथ खड़े, ये भी एक मंच हो गया, ये सवाल आप उनसे करो ना जाके, क्यों नहीं बोलने दिया उनसे, पूछना मुझे क्या पता क्यों नहीं बोलने दे भाई, मैं तो तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही हूँ, कमेटी से बात करने के बाद लाइव आऊंगी मैं अपने पेज से लाइव आऊंगी, जनता मुझे इतना प्यार करती है, युवा इतना मुझे सहयोग करता है, क्या युवा नहीं है यहाँ पे, क्या मुझे प्यार करने वाले लोग नहीं है, नहीं, क्या ये बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद नहीं देते, प्यार नहीं करते, आऊंगी अपनी परेशानी तो बताऊंगी, समस्या बताऊंगी, मेरे से तो ये दो शब्द कहे, मैंने तो कहा नहीं इनसे कि तुमने क्यों कहे क्यों ना कहे, अब ये बात आप उनसे पूछना ना, क्या आपको लगता है कि मंच की जरूरत है, आप अपनी आवाज कहीं से? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी आवाज कहीं से उठा सकती हूँ, मुझे नहीं है बिल्कुल भी जरूरत, ध्यान रखना मुझे मंच की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आवाज अपनी सच की होनी चाहिए, ठीक अधिकार की होनी चाहिए, मैंने किसानों के लिए आवाज उठाई, इनके साथ हूँ रहूंगी, महिलाओं का सहयोग इतना मिला उनके साथ रहूंगी, इन युवाओं के कहीं से भी मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ, मंच उन्हें देना जिन्हें जरूरत हो, जो मंच के पीछे भाग रहे हैं उन्हें देना, मैं तो यहाँ हूँ रोड पे खुश हूँ, मैं रोड पे खुश हूँ और बहुत खुश हूँ, मीडिया वालों का मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत आप लोगों ने सहयोग करा, इन सभी लोगों ने करा, तो मैं तो यहाँ भी बहुत खुश हूँ, दुखी तो वे लोग हैं जो मुझे इस तरीके की बातें कहते हैं, मैं क्या करूँ भाई बताओ, डर लगता है क्या? पूछ लियो उनसे जाके, उनसे पूछ लेना, अभी उनसे पहले आप नेता बन जाओ भैया, देखिए मुझे तो नेता ना बनना, मैं तो नहीं ठीक हूँ, और लेकिन जिन ऐसे ऐसे झूठे लोगों की अगर मेरी वजह से हालत खराब होती है तो पूरी हालत खराब करूंगी, ध्यान रखें। पूनम जी चुनाव आने वाले हैं अगले महीने में यूपी में पंचायत के, क्या कुछ ऐसी है आपकी प्लानिंग, चुनाव लड़ा जाए पंचायत का, जिला पंचायत? नहीं 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 भाई, कुछ भी प्लानिंग नहीं है। तो फिर गोल क्या है आपका, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यू है, जो ये नेता जिन्हें हम चुन के बैठा है ना, और ये वादे करके भूल जा मैं, इन्हें याद दिलाएंगे, जब मेरे से क्यों नहीं आ सकती, क्या कारण है क्यों नहीं आ सकती लाइव भाई, मेरे से मेरे पेज पे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो क्या मेरे साथ समस्या होगी, मैं बताऊं नहीं, अब मेरा परिवार है वो, क्यों आ गए तू, अगर लाली बढ़न लगी कहीं तुझे रोकेंगे क्या, तू नहीं बताएगी क्या, तेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा क्या, तू नहीं बताएगी, तो बताएंगे, आज तो मुझे अकेले की ऐसी बात कर रहे, क्या पता और चार लड़कियों गिनती हो जा, तो मैं नहीं चाहती किसी लड़की की आवाज को दबाऊं मैं, भाई ने सवाल पूछा मैंने जवाब दे दिया, क्यों ना बोली, मैंने थोड़ी कही तुम ये सवाल मेरे से करियो, सच बोल दिया, बीमारी मेरा यू है, बोल दिया सच, बता दी कि यू बात कही मेरे से, तो वो तो लड़की मुझे जानती भी नहीं, मैं तो बेचारी पहली बार मिली हूँ जो संचालन कर रही है, कोई बात नहीं, हम कमेटी से बात करेंगे और कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हम 3 महीने से यहाँ हैं, और आंदोलन को सहयोग सड़क पे भी कर सकते हैं, आंदोलन को सहयोग हम सड़क पे खड़े होकर कर रहे हैं, और जिस दिन से पहली बार आवाज लगी थी उस दिन से मैं मंच पे नहीं गई हूँ, ठीक, और मंच की लड़ाई नहीं है मेरी तरफ से मंच की लड़ाई नहीं है, अगर मेरी तरफ से मंच की लड़ाई होती तो मैं बिल्कुल जाती जबरदस्ती करती ये करती वो करती, लेकिन मैं बॉर्डर पे आ रही हूँ सड़क पे रह के बहुत खुश हूँ, आप लड़ रहे होंगे, और सुनिए मैं जिस दिन तक आंदोलन में हूँ मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे मत देखा जब मेरे से सवाल करना, और क्या बताऊँ नहीं सच बात, फिर कैसे कह रहे हो आपकी तरफ से लड़ाई ऐसी मंच की, उनकी तरफ से जब तो वो कह रहे इस बात को, अपनी बात रख रहे हैं, भाई ने सवाल करो जवाब दे दिया, क्या आप मैडम क्यों नहीं बोली, भाई इसलिए नहीं बोला शायद हो सके इनका कुछ प्रोटोकॉल हो, तो आपके प्रति ये प्रोटोकॉल, तो ये बात पूछेंगे ना हम कमेटी से, जवाब भी ना दो, एक तरफ आप कहते हो कि अपनी परेशानी बतानी चाहिए, एक तरफ आप कहते हो कि आपकी तरफ से लड़ाई मेरी तरफ से क्यों होती,
मेरी तरफ से क्यों होती लड़ाई? अगर मेरी तरफ से लड़ाई होती तो मैं यहाँ पे इतने दिन तक बिना मंच के घूमती हूँ। मुझे मंच की जरूरत नहीं है, मुझे इनके आशीर्वाद की, इनके प्यार की जरूरत है। 20 मंच से की मतलब क्या है? 20 मंच जब क्यों बना ले मैं भाई? ये देश के किसानों का मंच है, किसी का अपना मंच नहीं है। ये मंच है रोटी, ये रोटी का मंच है, किसी का अपना मंच है। कौन है मंच वाले? एक मिनट, अधिकार कुछ लोगों का क्यों हो रहा मंच पे? जब सबका मंच है तो आपकी तो हिस्सेदारी। तो भाई इसलिए तो इनने पूछा सवाल, मैंने जवाब दे दिया। एक मंच आप अपना बना लीजिए, क्यों बना लूं मैं मंच? क्यों बना लूं भाई? अरे आप भाई मुझे मंच की जरूरत नहीं, मैं अपना मंच क्यों बना लूं? यू किसानन का मंच है, यू रोटी का मंच चल रहा, यू देश का मंच है, क्यों बना लूं मैं अपना? मैं मंच बनाने आ रही हूँ, यह मंच छीन आ रही हूँ मैं किसी के? कमेटी में पूछेंगे भाई। मुझे नहीं पता ये सबका मंच रोटी का मंच हो सकता है, चंद लोगों को ना पता हो, सभी को थोड़ी बात आई हो, क्या पता चंद लोगों ने कहीं कलवाई हो उस लड़की से। ये बात मैं कमेटी में रखूंगी जाके, पूरी किसान मोर्चा मंच की कमेटी में रखूंगी जाके ये बात। अगर ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ युवा नहीं जुड़ा हुआ, मेरे साथ महिला नहीं जुड़ी हुई, मेरे साथ ये बुजुर्ग नहीं जुड़े हुए, बहुत लोग जुड़े हुए हैं कि मैंने रोका झलकाया। देखिए दुख तो सभी होता है, लेकिन आज दुख नहीं है बिल्कुल भी। आज इस बात का कि मंच के एक बात तो देखिए घबराहट हो रही है कुछ लोगों को, हो रही है ना, ये बात भी तो आप देखिए ना। लेकिन मैं तो यहाँ रोड पे खड़ी हूँ, ये मंच बन गया, आप घुमा के दिखाइए कैमरा। मंच जो है बड़े बड़े जो मंच होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टी के मंच हमने देखे, नेताओं के मंच देखे, गिरते हुए भी देखे, संभलते हुए भी देखे। सड़क रोड एक ऐसी चीज है कि ये स्थिर है, यहाँ रोड धरती जहाँ से हम निकले वहाँ मंच हो रहा, इससे बढ़िया बात क्या है? जो बात होगी उसे कमेटी के सामने रखेंगे। आज तो पूरी दुनिया महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, चंद लोग पूरी पूरे पूरे मंच को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये पता नहीं कौन लोग हैं, बात पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। चंद लोग ही तो होंगे, चंद लोग ही तो हैं ये, सारे तो कमेटी वाले ऐसे नहीं कर सकते, सारे नहीं कर सकते इस तरीके की हरकतें ये। ठीक, तो ये बदनाम करना चाह रहे हैं आंदोलन को, ये बदनाम करना चाह रहे हैं महिलाओं को, उत्पीड़न करके कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ जताना चाह रहे हैं, कहाँ से घुस के बैठा लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को कि मैं भी बुलवाऊंगी पूनम पंडित को, उन्होंने बोला। और जो बाकी महिला बैठी हुई थी ना नीचे, वो वहां पे जाके कह रही पूनम पंडित को बुलवाओ, तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा कि वो बार बार कह रही है मंच के मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने कहा क्लियर बता, बोलूं मैं यहाँ या ना? उन्होंने कहा माफ करना बहन, मैं ये नहीं वो कर सकती। तो फिर मैं तो साइड में आ गई, और क्या मैं वहाँ पे डिस्टर्ब करती रहूँ? मैं वहाँ बैठी हूँ, सारी महिलाएं कह रही पूनम पंडित को बुलाओ, पूनम पंडित को बुलवाओ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं साइड में आ गई।